2015 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च हुई जिसे पता चला जो व्यक्ति नियमित 20 दिन ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसके शरीर के अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। वो एनर्जी एक उसके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने में ही नहीं बल्कि उसको नेगेटिविटी से बचाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके शरीर के चारों ओर एक ऐसा चक्कर बन जाता है, एक एनर्जी लेवल का एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र बन जाता है जिसके अंदर आने वाली नेगेटिव से नेगेटिव एनर्जी भी टकरा कर खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने दो ग्रुप बनाए, 20-20 लोगों के दो ग्रुप जिनका डाइट प्लान भी अच्छा था, जो हेल्थी थे। उन दोनों में से उन्होंने एक ग्रुप को डेली 10 मिनट ध्यान करवाया और 30 दिन के बाद एक चमत्कार देखा। उन्होंने जब दोनों ग्रुपों का एनर्जी लेवल चेक किया, ब्रेन पावर चेक की, तो जो इन लोगों ने ध्यान किया था, डेली मेडिटेशन करते थे, तो उनका एनर्जी लेवल, ब्रेन पावर 20% उनसे ज़्यादा थी। देखिए दोस्तों कितने चमत्कारी फायदे हैं ध्यान करने के। तो ध्यान क्या है सुरेश जी नमस्कार। ध्यान की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित जो ग्रंथ है योग दर्शन, उसके तीसरे पाद में जो दूसरा सूत्र है वो ध्यान को बताता है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने बताया है कि तत्र प्रत्ययिकतांता ध्यानम, अर्थात किसी विषय वस्तु ज्ञान या किसी वृत्ति पर एक रूपता बने रहना ही ध्यान है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उससे पहले एक सूत्र जो महर्षि जी ने लिखा है वो है देशबंधश्चित्तस्य धारणा, कि किसी विषय वस्तु को पर अपना मन बांधे रखना, यानी कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं। तो जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी तब तक हम ध्यान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन में महारत हासिल करनी होगी, उसके बाद ही हम ध्यान कर सकते हैं। आचार्य जोनी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो ध्यान है, ध्यान योग दर्शन के अंदर एक पार्ट आता है, अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि से पहले ध्यान। यदि कोई समाधि की अवस्था में जाना चाहता है तो उसको ध्यान से गुजरना पड़ेगा, ध्यान उसको सीखना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं ध्यान की। ध्यान के अंदर विशेषकर हमारा जो करने का तरीका है उसमें हम सुखासन में बैठ जाएं, किसी भी सुखपूर्वक आसन में, आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं हम, वज्रासन में बैठ सकते हैं हम, किसी भी आसन में बैठेंगे। उसके बाद अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं, अपनी कमर को सीधा रखें, अपने श्वासों को देखें कि श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांसों को गहरा करने का प्रयास करें। इसे क्या होगा, आप सभी को पता है हमारे शरीर की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई कोशिका है, और कोशिका को ऑक्सीजन लेवल के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन लेवल जो हमारे शरीर के अंदर, कंप्लीटली बॉडी के अंदर बिल्कुल हर जगह पहुंचेगी, तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा। ध्यान करने की प्रक्रिया आप नियमित 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, इसके बाद आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं। ध्यान करने से आपके शरीर के अंदर सभी रोगों का नाश हो जाएगा। यहाँ तक कि हमने बहुत से जो स्ट्रेस के पेशेंट देखे हैं जिनको हमने दवाइयाँ भी नहीं दी, बिल्कुल अकेला ध्यान से ठीक किया है। मेडिटेशन के अंदर इतनी पावर है कि हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है। मेडिटेशन करने से असाध्य रोग को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे एक थ्योरी है, थॉट्स मोशन एक्शन, जैसे हमारे विचार होंगे ऐसे भाव होंगे और ऐसे काम होंगे। यदि हमारा मेडिटेशन पावर ही अच्छी है, अगर हमारे ध्यान करने की क्षमता ही बहुत ज़्यादा है, तो हमारे रोगों को हमारे पास आने का काम ही नहीं होगा। दोस्तों आप भी ध्यान करना शुरू कीजिए। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीटली ध्यान कैसे करें, इसके लिए किस पोजिशन में बैठें, ध्यान करने की सही विधि क्या है, सही समय क्या है, इस बारे में बात करेंगे। आप अब तक ऐसे ही शुरू करें, सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाइए और अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। 5-10 दिन आप इसका प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको स्थिति अच्छी हो जाएगी। दोस्तों धन्यवाद।